हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में बेसिकली हमें एक सर्किट दिया होता है जो कि इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होता जाता है। मतलब ये सर्किट ऐसे आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है एंड हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन में गाइस, सबसे पहले हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सो, इसकी अप्रोच अब हम देखेंगे कि कैसे होती है। हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया तो सबसे पहले वो वाला पैटर्न बना दिए। ये मैंने वो सबसे पहले पैटर्न बना दिया एंड मैं आर ए बी एज्यूम करूंगा कि इसके पीछे का जो इन्फिनिटी तक है उस पूरे का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर ए बी। सो मैं वो आर ए बी को पैरेलल में इसके लगा दूंगा। आर ए बी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि इस सर्किट के बाद, इतने पार्ट के बाद, इसके बाद पीछे इन्फिनिटी चाहे कितना चला जाए उस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर ए बी, एंड वो इसके 1 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। अब गाइज, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि आर ए बी एंड 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पैरेलल में है। सो इसका इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, आर ए बी इंटू 1/1 प्लस आर ए बी। गाइस, जब भी आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दियो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि उन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उन दोनों रेजिस्टेंस का सम। सो आर ए बी इंटू 1 न्यूमरेटर में अपॉन उनका सम, दैट इज 1 प्लस आर ए बी। अब गाइज, इसको मैं प्लस 1 करूंगा क्योंकि 1 आप जैसे देख सकते हैं कि सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाइड हुआ है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू आर ए बी। अब गाइज, इसको मैंने आर ए बी के इक्वल क्यों पुट किया कि आर ए बी हमारा इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। अब उस इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है उसमें अगर मैं छोटा सा एक और एलिमेंट ऐसे ये वाला सर्किट अगर ऐड करूंगा तो उसमें आर ए बी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ करी है तो इसका क्या मतलब है कि आर ए बी हमने अपने सर्किट का इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस एज्यूम किया था एंड उसमें अगर मैं छोटी सी वैल्यू ऐड करूँ तो उसका ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आर ए बी ही रहेगा। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आर ए बी हमारा डिनोमिनेटर में एंड ये सेम टू सेम प्लस 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर ए बी इक्वल्स टू आर ऑफ ए बी। यहाँ तक आ गया गाइस। अब हम इसको एल एच एस आर एच एस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, ट्वाइस ऑफ आर ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू आर ए बी प्लस आर स्क्वायर ए बी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आर स्क्वायर ए बी माइनस आर ए बी माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आर स्क्वायर ए बी ऐसे का ऐसा, 1 लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस 1 एंड 2 आर ए बी यहाँ लेके आए तो आर ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ आर ए बी, डैट इज माइनस ऑफ आर ए बी। अब गाइज, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह आर ए बी है। अब गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला होता था एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अब हम इसके कोएफिशिएंट्स इस इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1। ये देखिए, एक्स की जगह अगर हम आर ए बी पुट करें यहाँ पे तो ए का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। बी का कोएफिशिएंट हमारे पास आता है इस इक्वेशन से -1 एंड सी जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज आल्सो -1। अब हम ये वैल्यूज इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आर ए बी इसको इक्वल आंसर -1 दैट इज +1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विल बी 1 माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी
ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है सी में, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए दैट इज टू। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ± √5/2। अब गाइज यहाँ पे हमें पता है कि रूट फाइव की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो हम 1 + √5/2 वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, माइनस वाली कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। सो हमारा आर ए बी जो हमारा इन्फानाइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू 1 + √5/2 ओम्स कैलकुलेट हो गई। थैंक यू गाइस।